कोरोना की वो महामारी जिसने 2 साल तक आम लोगों की जिंदगियों को बेबस कर रखा था, कोरोना की वो महामारी जिसके कारण कई महीनों तक दफ्तर बंद रहे थे, कोरोना की वो महामारी जिसके कारण देश में आम आदमी का सड़कों पर निकलना तक दूभर हो गया था, वो अभी खत्म नहीं हुई है। नमस्कार, नवारा टाइम्स ऑनलाइन के यूपी न्यूज रूम में मैं श्रेयांश त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वक्त हमारे पास एक बड़ी अपडेट है कोरोना के उन मामलों से जुड़ी हुई जो चीन में बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका असर भारत की राजनीति और भारत के सामयिक हालातों पर भी दिख रहा है। देश में कोरोना की आहट को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर सख्ती शुरू कर दी है। केंद्र सरकार की ओर से जहां पॉजिटिव केसेस की जीनोम सिक्वेंसिंग कराने की बात कही गई है, वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकार की ओर से ये कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन फिर से शुरू किया जाए, यानी मास्क वाले दिन अब लौटने लगे। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों को बढ़ने से रोका जाए, इसके लिए योगी सरकार एक बड़ी बैठक करने जा रही है। गुरुवार को इस बैठक में सीएम योगी प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग समेत तमाम अधिकारियों से फीडबैक लेंगे और इस बात पर चर्चा करेंगे कि प्रदेश में कोरोना के मामलों को बढ़ने से कैसे रोका जाए। इसके अलावा योगी सरकार ने प्रदेश में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर एक बड़ी एडवाइजरी भी जारी कर दी है। सबसे बड़ा फैसला प्रदेश में नाइट शेल्टर्स को लेकर हुआ है, जिसके लिए योगी सरकार ने ये कह दिया है कि अब इन शेल्टर्स में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। योगी सरकार ने यह भी कहा है कि प्रदेश में आने वाले विदेशी यात्रियों पर पूरी नजर रखी जाए और इनके कोविड टेस्ट के बिना इन्हें प्रदेश में एंट्री ना दी जाए। योगी सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि जो भी यात्री विदेश से आ रहे हैं, अगर उनमें कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो इनके सैंपल्स की जीनोम सिक्वेंसिंग कराई जाए, जिससे कि प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को रोका जा सके। यूपी में बीते 2 सालों के भीतर कोरोना वायरस को लेकर तमाम पाबंदियां लगाई गई थी। प्रदेश में तमाम स्कूलों को बंद किया गया था। इसके अलावा दफ्तरों में कर्मचारियों के आने तक पर पाबंदी लगी थी। जब देश में कोरोना वायरस के केस कम हुए तो सरकार ने भी इन पाबंदियों को हटा लिया, ऑफिसेस खुलने लगे और स्कूलों में बच्चों की संख्या को भी फिर से उसी तरह से कर दिया गया जैसे वो पहले हुआ करती थी। लेकिन अब चीन में जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, देश में सरकार की चिंताएँ भी बढ़ गई। उत्तर प्रदेश में इस मामले को लेकर राजनीति भी है। प्रदेश में हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने यह बयान दिया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कारण ही देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। लेकिन सियासत से इतर एक फैक्ट यह भी है कि चीन में बढ़ते कोरोना वायरस का असर अगर हिंदुस्तान में पहुँचता है तो एक बार फिर आम आदमी की जिंदगी मुश्किलों में पड़ सकती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में गुरुवार को होने वाली मीटिंग में ही यह साफ होगा कि आने वाले वक्त में सरकार किन पाबंदियों को लगाएगी और अगर पाबंदियां लगती हैं तो उसका आम आदमी की जिंदगी पर कितना असर होगा। उत्तर प्रदेश की कुछ और अपडेट्स के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक देखते रहें नवभारत टाइम्स ऑनलाइन।